So, Honda City is back in the news और इस बार वो न्यूज़ में आए हैं अपनी हाइब्रिड Honda City हाइब्रिड की वजह से। अब हाइब्रिड्स तो हमने बहुत सारी देखी हैं, पहले भी देखी हैं, टोयोटा भी लेकर आया है, बाकी ब्रांड्स भी लेकर आए हैं, बट Honda का कहना है कि ये बाकी सभी हाइब्रिड सिस्टम से एकदम अलग है। इस पूरे सिस्टम में इन्होंने किसी भी ट्रांसमिशन या गियरबॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया है, जो कि अपने आप में एक काफ़ी वियर्ड सी चीज़ है कि अगर किसी गाड़ी में ट्रांसमिशन नहीं होगा तो फिर वो चलेगी कैसे, क्योंकि जो इंजन की पावर है उसको व्हील्स तक पहुंचाने में ट्रांसमिशन जो है वही काम आता है। तो कैसे इन्होंने किया है, क्या अचीव किया है और क्यों किया है, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार खमा गणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वॉचिंग एस इन स्टूडियो और पेश है आपके लिए ICN एक्सप्लेन्स का एक ब्रांड न्यू वीडियो। क्योंकि हम एक नए हाइब्रिड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपको जो एग्जिस्टिंग हाइब्रिड सिस्टम्स हैं उनके कितने तरीके होते हैं उनको थोड़ा बहुत ही कम शब्दों में आपको बता देता हूँ। तीन तरीके के मोटे मोटे हाइब्रिड सिस्टम्स हैं। नंबर वन आपका फुल हाइब्रिड सिस्टम। तो फुल हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है, एक इंजन आपको प्रॉपरली दिया हुआ है, फिर स्मॉल बैटरीज आपको दी जाती हैं जो कि थोड़ा बहुत पावर असिस्टेंस या टॉर्क असिस्टेंस एक गाड़ी को देती है। नंबर टू प्लग इन हाइब्रिड। प्लग इन हाइब्रिड में बैटरीज जो हैं या बैटरी पैक जो है वो बड़ा होता है। अब बैटरी पैक बड़ा है दैट मीन्स इंटरनली उसे चार्ज करना एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा, इसलिए आप एक एक्सटर्नल पावर सोर्स ले लेते हो, या तो आप चार्जिंग स्टेशन पे जाते हो या घर पे आप प्लग इन करोगे तो वो जो बैटरी है आपकी चार्ज हो जाएगी। और यहाँ पे वो जो बैटरी है उसकी चलने की मतलब जो जितनी दूरी आप तय कर सकते हो सिर्फ बैटरी से वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अ फुल हाइब्रिड या रेगुलर हाइब्रिड सिस्टम। तीसरा होता है माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, जो कि कहने को हाइब्रिड है पर बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी गाड़ी हमने जैसे सुजुकी SHVs हमने देखी है या महिंद्रा कई बार यूज़ करता है, तो उसमें क्या होता है कि एक इंजन तो ऑफकोर्स होगा ही होगा, एक बहुत ही छोटी बैटरी लगा दी जाती है। आपने देखा होगा कि गाड़ी अगर कहीं पर रेड लाइट पर खड़ी है और आपने पाँव हटा लिया है एक्सेलरेटर से तो गाड़ी बंद हो जाती है, जैसे एक्सेलरेटर पर पाँव वापस लेके जाते हो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो काम है वो उसका जो जनरेटर मोटर है या फिर ISG जो है वो कर रही है। तो बहुत ही बेसिक सिस्टम है, प्लस कभी कभी थोड़ा टॉर्क असिस्ट भी दे देती है बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये तीन तरीके के मोटे मोटे सिस्टम हो गए। तो ये जो चौथा सिस्टम जो कि होंडा क्लेम कर रही है कि eHEV जो कि सिटी के साथ में डेब्यू करेगा भारत में, वो अलग कैसे है। वैसे अगर आप प्रिंसिपली देखोगे तो ये भी आपको फुल हाइब्रिड सिस्टम के जैसी ही लगेगी, क्योंकि इसके अंदर भी आपको एक इंजन दिया गया है। इसमें जो सिटी में इंजन आने वाला है वो है 1.5 लीटर का एटकिंसन साइकिल इंजन है, जो कि लगभग 97 BHP की पावर निकालता है और 131 Nm का पीक टॉर्क निकालता है। फिर उसके साथ में आपको ऑफकोर्स बैटरी दी गई है, एक स्मॉल बैटरी है 0.734 kWh की, मतलब 1 kWh से भी कम की बैटरी है। फिर आपको दो इलेक्ट्रिक मोटर्स दी गई है, एक जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो एज अ जनरेटर काम कर रही है, मतलब आप वही स्टार्टर जनरेटर के जैसे इसको बोल सकते हो, उसके जैसे काम कर रही है। जो दूसरी है उसका काम असली है वो पावर देती है या पावर प्रोड्यूस करती है, टॉर्क प्रोड्यूस करती है जो कि व्हील्स में जाता है और गाड़ी को चलाने में काम आता है। तो इंजन और ट्रैक्शन मोटर दोनों मिलकर पावर देती है। प्रोपल्शन मोटर के अगर पावर फिगर्स की बात करोगे तो बेहद इंप्रेसिव है, 107 BHP की पावर आपको देती है और 253 Nm का पीक टॉर्क देती है। आपके दिमाग में आया होगा कि भैया इतनी पावर, मतलब एक तो इंजन का 97 BHP प्लस उसका टॉर्क प्लस आपका प्रोपल्शन मोटर का जो टॉर्क है वो सब मिलकर तो एकदम धांसू आपकी पावर हो जाएगी या ज़बरदस्त पावर हो जाएगी। एक्चुअली ऐसा नहीं है, जो कंबाइंड आउटपुट फिगर की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, जो यूजबल पावर आउटपुट है उसकी बात कर रहे हैं और होंडा भी उसी की बात करती है। तो जो यूजबल पावर आउटपुट है वो लगभग 127 BHP है और जो पीक टॉर्क है वो 253 Nm है। तो ऐसा क्यों किया गया है, पूरी पावर क्यों नहीं यूज़ की है, तो इसके पीछे दो तीन लॉजिक्स हो सकते हैं। एक बड़ा लॉजिक कि अगर आपको इलेक्ट्रिक मोटर से ही गाड़ी चलानी है दैट मींस आपको बड़ी बैटरी चाहिए होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर तो बैटरी की पावर से चलती है, अगर बैटरी ही छोटी है तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी और आपको बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी। अगर आप बड़ी बैटरी लगा रहे हैं दैट मींस इंटरनली तो वो चार्ज नहीं हो सकती, आपको पावर सोर्स चाहिए, तो वही चार्जिंग स्टेशन या घर पर चार्ज करो।
तो फिर वो पर्पस जो है वो भी डिफीट हो गया। दूसरा, अगर इतनी पावर होगी तो फ्यूल एफिशिएंसी निकालना एक चैलेंज होता है। और भी बाकी एक दो रीजंस है, बट मोटे मोटे ये दो बड़े रीजंस है जिसकी वजह से एक फुल हाइब्रिड सिस्टम ज़्यादा बेहतर होता है या इनका जो eHEV सिस्टम है वो बेहतर है। अब फुल हाइब्रिड सिस्टम जो नॉर्मल वाले होते हैं और eHEV सिस्टम जो अलग है, उनमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसमिशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ये। तो कैसे ये काम करता है उसको समझने के लिए आप इसके कंपोनेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। आपके पास में इंजन है, फिर एक जनरेटर मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर मोटर है, फिर आपके पास में एक प्रोपल्शन या ट्रैक्शन मोटर है और बैटरी आपको दी गई है साथ में। तो ये मोटे मोटे होगा आपको ग्राफिक्स में नज़र आ रहे होंगे। तो अब इसका ये फ़ायदा है कि अगर चाहें तो ईवी ओनली मोड पर ये गाड़ी चल सकती है। ईवी ओनली मोड पर चलने के लिए सिंपली क्या होगा कि जो बैटरी में ऑलरेडी स्टोर है एनर्जी, उस एनर्जी को आप प्रोपल्शन मोटर में भेजोगे जिससे कि वो ऑफकोर्स घूमेगी और साथ में व्हील्स को घुमाएगी। उससे क्या हुआ, आपकी गाड़ी चल जाएगी। बट दिक्कत मैंने आपको बताया कि बैटरी एक तो जो है वो 1 kWh से भी कम है, तो आप बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर सकते हो। और स्पीड्स की भी अगर आप बात करोगे तो 40 km/h मैक्सिमम स्पीड आप टच कर सकते हो। दूरी की अगर आप बात करोगे तो 1.5-2 km चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। फिर आप बोलोगे कि भैया 1.5-2 km ही चलेगी तो फिर लॉजिक क्या है? लॉजिक वहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम का आ जाता है कि जैसे ही सिस्टम ये सेंस करता है सेंसर्स की मदद से कि बैटरी का जो जूस है या फिर बैटरी की जो एनर्जी है वो 30% लेवल पे आ गई है, तो वहीं पे इसका हाइब्रिड मोड एक्टिवेट हो जाता है। ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। मतलब कोई स्पेसिफिक बटन नहीं दिया है ईवी हाइब्रिड और इंजन ओनली मोड के लिए, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो वो टेंशन आपकी दूर हो गई, हाइब्रिड मोड एक्टिवेट हुआ, दैट मींस वापस से वही इंजन प्लस मोटर साथ में मिलकर काम करने शुरू कर जाएगी और साथ में वो एक्स्ट्रा पावर जो आपका इंजन निकाल रहा है मोटर की मदद से वो बैटरी को भी चार्ज कर रहा है। दूसरी तरफ से जब आप ब्रेकिंग करते हो या डी एक्सेलरेशन करते हो मतलब पांव हटा लेते हो एक्सेलरेटर से, तो भी वो जो एनर्जी है वो बैटरी को चार्ज करने के काम आ जाती है। मतलब यहाँ पे एनर्जी का वेस्ट नहीं हो रहा है। तो एक स्मार्ट सोल्यूशन है ऑफकोर्स, जो कि सभी हाइब्रिड्स में होता है। फिर एक जो कमाल की चीज़ है वो ये है कि अगर सिस्टम को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ इंजन ओनली ज़रूरत है, आप हाई स्पीड्स कर रहे हो और सर्टेन स्पीड पे, जैसे हम हाईवे स्पीड्स करते हैं और एक सर्टेन आरपीएम पे करते हैं, तो अगर आप वो करोगे तो उस वक्त इंजन से भी काम चल जाएगा, क्योंकि इंजन पर एक्चुअली हाईवे पे सबसे कम स्ट्रेस आता है वहाँ पर, क्योंकि कंसिस्टेंट स्पीड आप मेंटेन करते हो, 100 चल रहा है या 120 चल रहा है ऐसा, और एक सर्टेन आरपीएम पे आप चल रहे हो। तो उस केस में क्या होगा, क्लच जो दिया गया सिस्टम है वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज होते ही आपकी जो दो मोटर हैं साथ में बैटरी जो है वो भी आपकी जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मतलब ये तीनों की तीनों चीज़ें डिस्कनेक्ट हो गई। अब सीधा रिलेशन हो गया इंजन का व्हील से, इंजन की पावर सीधा व्हील इस्तेमाल कर रहा है। पर जो कंपनी का क्लेम है कि भैया इसमें ट्रांसमिशन है ही नहीं, ECVT ये इसे बुला रहे हैं, CVT एक ट्रांसमिशन है और इसे ECVT बुला रहे हैं, बट एक्चुअली ये CVT है नहीं, ना ही ये कोई आपका टॉक कन्वर्टर है, ना ही ये डुअल फेस ट्रांसमिशन है। इसलिए कंपनी का ये कहना कि इसमें ट्रांसमिशन नहीं है वो कुछ हद तक सही है, पर ये कह देना कि है ही नहीं वो थोड़ा बहुत, मतलब उस पर क्वेश्चन हम कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने यूज़ किया है एक फिक्स्ड रेशियो गियरबॉक्स, एक तरीके से कस्टम आप गियरबॉक्स इसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने एक फिक्स्ड रेशियो वाला गियरबॉक्स लगा दिया कि उसकी मदद से आप का जो पावर है वो इजीली ट्रांसमिट हो पाए, चाहे आप प्रोपल्शन मोटर से करें या फिर आप इंजन से। तो ऐसे कुछ काम करता है ये। तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेटली एक कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम थियोरी में इसको जानते हैं, हम इसे जल्दी ही, मतलब इस गाड़ी को, होंडा सिटी हाइब्रिड को बहुत जल्दी चलाने वाले हैं, जिससे कि मैं और डिटेल में आपको अपने रिव्यू में बता पाऊं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है इसको चलाने का। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ऐसे ही ICN एक्सप्लेन्स के अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।